नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा, आपका दोस्त और आपका होस्ट। आप देख रहे हैं साधना न्यूज़। साधना न्यूज़ मिशन 2020 एक कार्यक्रम लेके आया है, ऐसा कार्यक्रम जो सर्वश्रेष्ठ भारत एक भारत की सरकार की परिकल्पना पर आपकी बात कराएगा सरकार से। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आपको बताना चाहेंगे कि साधना न्यूज़ लंबे समय से खबरों और भक्ति जगत के जनता से जुड़े सरोकारों को आप तक पहुंचाता रहा है, देश के कोने कोने तक। हमारी कोशिश है आपके हक आपको मिलें और आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाएं, देश से अंधविश्वास खत्म हो। जल्द ही हम आपके लिए दिल्ली और हरियाणा का न्यूज़ चैनल लेके आ रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि आपके हक ज़रूर आपको मिलें। इसीलिए हमने मिशन 2020 की शुरुआत की है। देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश बेहतर बने, आगे जाए। आगे कैसे जाएगा इसके लिए उन्होंने कहा है कि गाँव को साथ लेके चलना पड़ेगा और हमारे राष्ट्रपति ने भी कहा है। लेकिन कैसे, इसके लिए एसएमई सेक्टर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमारे बीच आज सरकार की तरफ से मौजूद हैं हमारे मुख्य अतिथि के रूप में एसएमई मंत्री कलराज मिश्र। उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे देश को प्रगति के पथ पर आगे लेके जाएंगे। साथ ही एनएसआईसी के चेयरमैन एचपी कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं विश्वामित्र ग्रुप के चेयरमैन मनोज चंद जी और हमारे संग ग्राफिक्स एड्स के सीएमडी मौजूद हैं मुकेश गुप्ता जी। तो ये पैनलिस्ट और हमारे चीफ गेस्ट, और अब आप लोग बात करेंगे। पहला सवाल मंत्री जी से होगा। कलराज जी, आपका मिशन 2020 क्या है और नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात भी हुई है, आप कैसे उम्मीदों को पूरा करने जा रहे हैं? सरकार गरीबों के लिए समर्पित है और इसलिए जब तक हम गरीबों के जीवन के बारे में चिंता नहीं करेंगे तब तक हिंदुस्तान को आगे बढ़ने की स्थिति नहीं निर्माण हो सकती। और इसलिए उन्होंने घोषणा की, शपथ ले लेने के बाद, मंत्रिमंडल बन जाने के बाद उस दिशा में कार्य प्रारंभ भी हुए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक महीने के अंदर ही यह सरकार क्या करना चाहती है, अपने वर्क कल्चर का, कार्य संस्कृति का एक बड़ा प्रभावी संदेश दिया है। प्राथमिकता क्या है इसको भी सुनिश्चित किया है और इसलिए पहली ही बार एसआईटी की घोषणा करके स्पष्ट कर दिया कि जिस काले धन के कारण आज हमारा देश विपन्ना अवस्था में गया है उस काले धन को हम निश्चित रूप से उजागर करेंगे, ये प्रायोरिटी उन्होंने सुनिश्चित की। साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करने की जैसी मानसिकता होनी चाहिए, चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कर्मचारी हो, सबका एक निश्चित रूप से समयबद्धता के साथ काम करने की मानसिकता। समय सुनिश्चित है 9 बजे, तो 9 बजे ऑफिस से पहुंचो और जो भी कार्य हैं उनको समय के अंतर्गत पूर्ण करने का प्रयत्न करो, यह एक उन्होंने निर्णय लिया। आर्थिक हालात बड़ी खराब है यह बताने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कड़ा निर्णय और लिया। आपको ध्यान होगा कि रेल किराए में बढ़ोतरी हुई। जब आप ये कहते हैं रेल किराए में बढ़ोतरी हुई तो लोग पूछते हैं कि अच्छे दिन कैसे आएंगे? वही तो मैं बता रहा हूं, मैं उसी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। कोई मान लो बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा गड्ढा है और हम आ गए, पहले गड्ढे की वो करने की दृष्टि से कोई रहा होगा, दूसरा कोई आ गया और तुरंत लोग कह दें कि गड्ढा जल्दी पार हो जाए, जल्दी चल दे दौड़ करके, तो कैसे जा पाएगा? दौड़ने के लिए भरने का प्रयत्न करना पड़ेगा, उस भरने के लिए हमें संसाधन जुटाने पड़ेंगे, उन संसाधनों के आधार पर हम आगे जाएंगे, उन संसाधनों का स्रोत को हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा, उसके लिए कष्ट हो सकता है। वही स्थिति रेल किराए बढ़ोतरी का प्रश्न है। आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे जिस दिन शपथ लिया 26 जून को, उसी दिन रात को चुरेब जो बस्ती जिले में है वहाँ एक ट्रेन दुर्घटना हुई और मुझे कहा कि
आप जाइए देखिए, मेरे साथ श्रीमान मनोज सिन्हा जी थे। हम लोग गए तो वहाँ जो मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि जो रेल की पटरी थी वो दुर्घटना ऐसी नहीं हुई कि किसी कारण हुआ, रेल की पटरी का जो हिस्सा था उसमें से एक क्रैक ऐसा हुआ था कि क्रैक करने के कारण बहुत तेजी से आई हुई ट्रेन वो पता नहीं कितनी दूर चली गई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेंटेनेंस नाम की कोई चीज नहीं रही, सारी चीजें जर्जर हो गई। तो मेरा ये कहना है कि हम आम आदमी के जीवन की सुरक्षा की व्यवस्था करें कि ना करें, और रेल एक सामान्य स्थिति नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि आधारभूत ढांचे में महत्वपूर्ण योगदान है तो सर्वाधिक रेल का है। अब उस रेल को भी हम व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक ऐसा हमने रेल को बना दिया कि रोज जब आदमी रेल में बैठता है तो उसको लगता है कि पता नहीं बच के आएंगे कि नहीं बच के आएंगे। तो पटरी से लेकर हर स्तर पर हम रेल की एक ऐसी स्थिति का निर्माण करें ताकि लोगों के मन के अंदर ये संदेश जा सके, क्या ये सरकार ने एक सुरक्षा की व्यवस्था या इसकी एक समुचित ऐसी स्थिति का निर्माण किया है जिसके कारण हम सुरक्षित रह सके, एक संदेश जाएगा जी। इसे दूसरा निर्णय लिया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री विभिन्न ऑफिसेस के बारे में ये संदेश देकर कि वहां भाई फाइलों का अंबार लगा हुआ है, पता नहीं कितने वर्षों की फाइल पड़ी हुई है जी। वो पहली बार ऐसा हुआ है कि फाइलों को किनारे कर दिया। और इतने ही नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रालयों को अपने साथ बैठाकर उस पर बकायदे अधिकारियों के साथ उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर रहा है। और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हुए भी ये कहने में संकोच नहीं कर रहा है कि अगर अमुक कमियां हुई हैं तो इसका अध्ययन किए हो कि नहीं किए हो, अध्ययन करने के पश्चात इसका निष्कर्ष निकाल कर उसके लिए कदम कौन सा उठाए हो। यह पहली बार हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि जो सन्निहित संसाधन हैं उन्हीं संसाधनों के आधार पर हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, हमें कोई बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती। यह एक संदेश दिया है। आपने कहा बेहतर दिन आएंगे, हमारे पास कैंट आरओ से चेयरमैन महेश जी हैं। महेश जी कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या माननीय मंत्री जी, एमएसएमई इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी तकलीफ फाइनेंसिंग है। वो एक बैंक के पास जाती है यूनिट वाला तो उसको बोला जाता है भाई आप मॉर्गेज ले आइए तो आपको इसका फाइनेंस मिलेगा, 125% का मॉर्गेज मांगते हैं। अब एक छोटी इंडस्ट्री है, उसके पास अगर धन होता, उसके पास अपनी संपत्ति होती तो शायद वो इंडस्ट्री में नहीं आता, वो एक आइडिया लेके आया। आज मॉडर्न इंडस्ट्री में आइडिया से इंडस्ट्री चलती है, वनस्पति की पूंजी से चलती है, लेकिन उसको पूंजी की ज़रूरत है। तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जो मॉर्गेज है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ना देना पड़े। देखिए, एमएसएमई को प्रभावी तौर पर लागू करने के पीछे की भूमिका ही रही है कि छोटे छोटे उद्यमी इसमें सहजता के साथ भाग भी ले सकें, उत्पादन भी कर सकें, उनकी मार्केटिंग भी हो सके, उनको धनोपार्जन भी हो सके और बेरोजगारों की समस्या का समाधान भी कर सके। इसको ध्यान में रख करके उनको सब्सिडी की बात कही गई, कहा गया कि माइक्रो है, लघु है, मध्यम है, उसके विभिन्न आर्थिक सीमा सुनिश्चित की गई। लेकिन दुर्भाग्य ये जरूर है, मैं आपके बात से सहमत हूँ कि जो कार्य की जैसी सरलता चाहिए वो सरलता उनको नहीं प्राप्त हो रही है। और बैंकों के कारण, हालांकि बैंक के लोग जो होंगे वो थोड़ा सा जरूर कहेंगे कि बैंकों के कारण उनको परेशानी आ रही है। और कभी भाई तो कहते हैं कि भाई कोलेटरल फ्री है लोन, तो भी बैंक जल्दी लोन नहीं दे पा रहा है, फिर कोलेटरल सिक्योरिटी के पश्चात भी लोन नहीं दे पा रहा है, और इसी कारण वो जो एंटरप्रेन्योर है उसको बहुत परेशानी आ रही है। तो ये आर्थिक दिक्कतें हैं, और मैं इसके सरलीकरण करने की दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं। और जैसे सिडबी है, सिडबी ये ठीक है, उसके द्वारा भी हम चाहते हैं कि ठीक स्थिति का निर्माण हो, लेकिन उसमें भी कठिनाइयाँ जा रही हैं, लोगों ने शिकायतें की है। तो हमने तय किया, आपने घोषणा पत्र में हमने दिया था कि हम एमएसएमई को ही डेडिकेटेड बैंक बनाएं,
और एमएसएमई के ही माध्यम से सारी चीज़ें सरलतापूर्वक हो, उसका सरलीकरण हम करें, सिंप्लीफिकेशन करें। जो लेबर लॉज हैं उसी कारण परेशानी जा रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स के कई चीज़ें हैं उसी कारण परेशानी जा रही है, एनओसी लेने में दिक्कत जाती है। हमने ऐलान किया है कि सिंगल विंडो सिस्टम करेंगे, उसको ढंग से लोन मिल जाए इसकी व्यवस्था, साथ ही साथ उसको एनओसी जल्दी मिल जाए उसकी व्यवस्था, कोलेटरल फ्री जो देने की बात है तो इसमें आ जाती है, क्रेडिट रेटिंग का प्रश्न आता है तो क्रेडिट रेटिंग के लिए भी अलग से एजेंसी लगाकर उसकी व्यवस्था, सस्ते दर पर क्रेडिट रेटिंग हो इसकी व्यवस्था, ये सारी चीज़ें करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। इस पर हमने डिसीजन किया है और उसका कोई ना कोई प्रारूप बनाकर हम प्रधानमंत्री जी के पास ले जाएंगे और उसके लिए जो भी कैबिनेट में जा करके भी नीति बनाने की आवश्यकता पड़े तो करेंगे। हमारे बीच खेतान साहब भी मौजूद हैं, उनका एक आपसे सवाल है। सर, आपके एमएसएमई मिनिस्ट्री में एक बार मैं आपसे मिला था रजनीश जी के साथ, तो आपने जिक्र किया था कि काफ़ी हज़ार करोड़ रुपए अन यूटिलाइज्ड हैं। तो सर, मेरा एक सुझाव था कि जितने भी अपने देश के चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हैं, अगर आप उनका असिस्टेंस लेके और उस फंड्स को गेनफुली डिप्लॉय करें जिसमें कि एमएसएमई का धार हो, पहला सजेशन ये सर। दूसरा सजेशन सर, जैसे आपको पता है कि यानी जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, जापान है, वहाँ पर सर ये जो आपका यानी क्लस्टर अप्रोच है जो कि अपने सपोज लुधियाना में है सर, होशियारी का होगा। अब सर हर क्लस्टर में अगर ने सरकार चाहे तो एक ने स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अगर वो खड़ी कर दे तो सर आज के दिन सर अपने नवयुवकों को ने स्किल चाहिए, क्योंकि जो अपने कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, आज सर वो डेमोग्राफिक ने डिजास्टर में भी बदल सकता है अगर अपने उनकी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में हार्नेस न किए। और लास्टली सर, जो सर महेश जी ने कहा सर, वो सर हर बैंक सर चाहे वो कितना ही बोल ले आपके सामने, वो उनको रुपया नहीं देगी, क्योंकि उनको है कि हम रुपया दिया ये रुपया वापस नहीं आएगा। तो सर उसके लिए अगर कोई अभियान चलाया जाए कि उनको एक यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल डिसिप्लिन का लघु उद्यमी को कि भाई किस तरीके से ये पैसा तुम्हारा नहीं है, ये पैसे से तुमको कमाई करके वापस लौटाना है, ये सर मेरे तीन सुझाव थे। ये एक विचार का विषय है हमारा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आप देखेंगे, हो सकता है बजट के अंतर्गत भी ये चीज़ आ जाए, इसको उल्लेख आ जाए। पहला प्रश्न आपने पूछा कि जब एक बार मिले थे तो युवा के हज़ार करोड़ रुपए हैं और इसमें किस ढंग से एमएसएमई को सहयोग प्रदान किया जाए। मैं उसमें बिल्कुल 3 या 4 दिन हो गया था मंत्रालय में आए हुए और देखने पश्चात मुझे पहली कठिनाई ये जरूर दिखाई पड़ी कि आर्थिक दुर्दशा के कारण बहुत सारी यूनिट हमारी सिक हो गई है, बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो छोड़ के चले गए। तो हमारे दिमाग में उससे बात आई थी कि अगर इसमें कुछ निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग या उनका कोई ट्रस्ट बन जाए और उसमें फंड का कलेक्शन हो और कम इंटरेस्ट पर अगर हम एंटरप्रेन्योर को सहायता दें तो उसका बड़ा लाभ हो सकता है। और कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी, आपने जब बात की तो मेरे दिमाग में बात आई थी और फिर और भी कुछ लोगों से मैंने बात की, उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा होगा और उन्होंने तो मुझे परसेंटेज भी बताया कि हम तो इतने परसेंट पर 4% पर हम देने के लिए तैयार हैं एंटरप्रेन्योर को, यहाँ तक कहा उन्होंने। हमने अपने अधिकारियों से चर्चा चलाई थी कि भाई ये है, निजी तौर पर लोग ऐसा करना चाहते हैं, ये हो सकता है क्या, क्योंकि कई चीज़ें इसमें नीतिगत होंगी, कैबिनेट का निर्देश लेना पड़ेगा, बाकी का करना पड़ेगा। जो भी इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आर्थिक दिक्कतें जा रही हैं, बैंक से जा रही हैं, परेशानियां जा रही हैं, तो इनको आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए और कोई व्यवस्था हो सकती है क्या। जब ये बात आई तो ये हमारे दिमाग में बात आई और इसके लिए हमने अपने अधिकारियों के बीच में चर्चा चलाई है। अभी प्रधानमंत्री से मेरी इस संबंध में वार्ता नहीं हुई है क्योंकि हम एक बार पहले अपने आपस में कुछ और लोगों से विश्वस्त हो जाए तो निश्चित रूप से इसके बारे में विचार किया जा सकता है। इसलिए हम उसको दूर करने की दिशा में बड़े प्रमुखता से हम विचार कर रहे हैं, ये भी उसमें एक बिंदु है विचार का जो अभी आपने बताया। जी,
एचपी कुमार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार साहब, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है क्योंकि आप चेयरमैन भी हैं और आप जमीन तक जाते हैं, आपको एरिया में जाना पड़ता है। कैसे आपका प्रोडक्ट सबसे बेहतर बनेगा? चीन का जो सस्ता माल है उसकी वजह से यहाँ का व्यापारी बहुत परेशान है, कैसे उसको आप कॉम्पिटिशन देंगे? पहले तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि लघु उद्योग देश में आर्थिक विकास की एक रीढ़ की हड्डी है और यहाँ के लघु उद्योग में बहुत अधिक संख्या में लोग लगे हुए हैं, लगभग 8 करोड़ लोग लगे हुए हैं इसमें एम्प्लॉयमेंट में। परंतु यहाँ के लघु उद्योग में एक कमी ये है जिसकी वजह से चीन ओवरटेक कर गया पिछले कुछ वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग में। इसमें बहुत अधिक संख्या में लगभग 90% अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो इकाइयाँ हैं वो काम कर रही हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिलती, उनको बैंक की क्रेडिट नहीं मिलती, उनको मार्केटिंग की सुविधा, उनको मशीनों के बारे में जानकारी नहीं है कि हम प्रोडक्शन को स्केल अप कैसे करें। यहाँ पे चीन में थोड़ा सा काम हुआ और उसकी वजह से यहाँ का इम्पोर्ट बढ़ गया और उसका एक कारण ये भी था कि WTO के हम मेंबर बन गए। तो आवश्यकता क्या है कि जो 3,60,00,000 में 90% इकाइयाँ इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, अनौपचारिक सेक्टर में हैं, उनको हम अधिक से अधिक सुविधाएं देके, उनको जो सरकार की स्कीमें हैं, हमारे मंत्रालय की भी बहुत अच्छी योजनाएं हैं, माननीय मंत्री जी ने उनको रिव्यू किया है और उसको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो स्कीमें अभी लोगों तक पहुंची नहीं है पूरी तरह से। कुछ 5% 10% लोगों तक पहुंच रही हैं परंतु उनको स्केल अप करके, उनका इम्पैक्ट क्रिएट करके, लोगों को जानकारी देकर, ताकि वो इन्फॉर्मल सेक्टर की जो एंटरप्राइज छोटी छोटी काम कर रही हैं अपने शेल में, उनको हम फॉर्मलाइज करके, उनको हम थोड़ा स्केल अप करने के लिए सुविधाएं दें, जिसमें ये बैंक क्रेडिट भी एक बहुत बड़ा सवाल है। माननीय मंत्री जी ने एक रिव्यू किया कि हम उनको कैपिटल कैसे प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मार्जिन मनी नहीं है। अब हमने उनको ला के ट्रेन किया, उनको अपने सेंटर्स में ला के उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, छोटा उद्योग लगाने के लिए सारी तरह की सुविधाएँ हम देने के लिए तैयार हैं। उनको मशीनरी क्या होगी, उनको प्रशिक्षण कैसा होगा, उनको मार्केट में भी हम हेल्प करेंगे। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम जो छोटे छोटे इंपोर्ट हो रहे हैं चाइना से उसको रोकें कम से कम सबसे पहले। अब खिलौने भी इंपोर्ट हो रहे हैं, अब दिवाली और होली के जो छोटे छोटे रंग हैं और सामान हैं वो भी इंपोर्ट हो रहे हैं, तो क्या ये हमारे छोटे उद्योगों में नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। इसके लिए जो हमने कार्यक्रम शुरू किया, अब उसमें कमी कहाँ आती है कि उनके पास बैंक क्रेडिट तो बाद की बात है, पहले अपने मार्जिन के लिए ही पैसा नहीं है। इक्विटी लगाने के लिए मान लो उनको 2,00,000 का मशीन है और 50,000 रुपये लगाने तो वही नहीं है। तो उसके लिए माननीय मंत्री जी ने एक योजना के बारे में विचार किया है और हम लोग उस पर बैठ के बात करेंगे कि एक फंड बनाया जाए जिसमें हम ऐसे लोगों को छोटी छोटी पूंजी का अंशदान करके, एक योजना है प्रधानमंत्री रोजगार योजना जिसमें कुछ एक्सटेंट तक हम मार्जिन मनी असिस्टेंस देते हैं 15% से लेके 25, पर उसका इम्पैक्ट बहुत इस समय जो है छोटा है, उसको एक तो इलार्ज करने की जरूरत है और दूसरा इस तरह का फंड जिससे हम जो लोग इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हेल्प कर सकते हैं, आज ये प्रोडक्ट इम्पोर्ट हो रहा है, हम इस प्रोडक्ट को यहाँ बना सकते हैं, इसके लिए हमें आप सहायता दीजिए ताकि हमारी इम्पोर्ट की प्रॉब्लम भी दूर होगी और जो इनफॉर्मल सेक्टर की एंटरप्राइजेज हैं बहुत छोटे छोटे लेवल पर काम कर रही हैं वो भी ऊपर आएंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हेल्प होगी, तो इससे ओवरऑल इकोनॉमी को फायदा होगा। जी पीके गुप्ता साहब का एक सवाल है कि जैसे चाइना, जैसे कोरिया, जैसे ताइवान, जो आप लोग मैन्युफैक्चरिंग हब कहते हैं, वो कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है अगर इंडिया में खिलौने, तो उसका बेसिक रीज़न है इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो जिसने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो टेक्नोलॉजी इन कंट्रीज़ में गई, जापान से शुरू होकर चाइना तक, वो सिर्फ बेसिक था कि सोर्सिंग सेंटर फॉर US। और इंडिया जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है वो अपनी मार्केट बलबूते पे कर रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर बनाता है तो कितना बड़ा प्लांट लगा, इसकी इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है, ये स्ट्रेटेजिक इशू है। हम जब देखते हैं, अगर हम CD खरीदते हैं, आई वॉज इन चाइना कपल ऑफ बैक, तो वहाँ CD 10-10 रुपये की, 5-5 रुपये, क्यों? इकोनॉमी स्केल है, टेक्नोलॉजी है। तो ये मैं समझता हूँ कि इंडियन स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर में एक प्रॉब्लम है, मार्केट एक्सेस नहीं है और दूसरी चीज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं है, बैंक फाइनेंस वगैरह तो सब दूसरा इशू, दिस इज वन। सेकेंड मेरा सर पॉइंट ये है कि अगर हम विजन की बात करते हैं और मिशन की बात करते हैं 2020, तो इंडियन इकोनॉमी में अगर हम ये मानते हैं कि हम 70% हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है और आज की तारीख में जो यूथ है
24 साल से लेकर 35 साल तक का जो यूथ है वो आईटी सेक्टर में 70% आईटी सेक्टर में जा रहा है। कितने साल तक जाएगा, आईटी सेक्टर कितना बूम करेगा, कितना आगे बढ़ेगा, और खुदा ना खास्ता कुछ उसमें सेटबैक अगर 5 या 10% भी होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना होगा शायद गवर्नमेंट इमेजिन नहीं कर पाएगी, और क्या स्थिति होगी देश की, और नया यूथ और आ रहा है आईटी में, तो हम इसको किस तरफ डाइवर्ट करें एज ए पॉलिसी ऑफ द कंट्री, एग्री या एग्रो, क्योंकि दुनिया हिंदुस्तान को एज ए कंज्यूमर फूड बिजनेस के लिए अप्रोच कर रही है, और इंडियन कंपनी होगी अगर हम लोग नहीं कर पाएँ तो फिर हम लोग का यहाँ रहना बेकार है। तो मेरी सबमिशन ये होगी पॉलिसी मेकिंग में कि सर हम एग्री एंड एग्रो को थ्रस्ट दें। सर ग्रामीण तक जाना चाहते हैं, गांव तक जाना चाहते हैं। आपने प्रधानमंत्री जी के भाषण में एक वाक्य सुना होगा, उन्होंने कहा कि हर हुनर, हर व्यक्ति को हम हुनर प्रदान करेंगे, हर हाथ को हुनर। हर हाथ को हुनर का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को हम इस तरीके से सामने ले आना चाहते हैं ताकि उसके अंदर का जो छोटा ही क्यों ना हो, जो तकनीकी टैलेंट है, भले ही बहुत अधिक पढ़ा लिखा ना हो, उस तकनीकी टैलेंट को, तकनीकी प्रतिभा को छोटे छोटे स्तर पर हम विकसित करेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि जैसे पहले अपने यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में कॉटेज इंडस्ट्री चला करती थी, छोटे छोटे लोहार है, बढ़ई है, कुम्हार है, ये आपका कोल्हू है, ये जो छोटे छोटे स्तर पर, अब तो ठीक है तकनीकी आधार पर बढ़ते जा रहे हैं, हम इस हिसाब से ट्रेन अप करके उनको छोटा छोटा उद्योग भी देंगे तो उसके लिए काफ़ी सफल हो सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके का प्रवाह। और दूसरा जो आप कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि MSME जो है ये देखे, इस समय तो मैं कहता हूँ कि इट इज ड्रॉप इन द ओशन है, हमारे चेयरमैन ने कहा NSIC के जो इंक्यूबेशन सेंटर इस समय बनाया है, अब इंक्यूबेशन सेंटर ये कक्षा 8 पास हुआ व्यक्ति है जी, 10वीं कक्षा पास है, अब एक एक स्थान पर हम 100-100 लोगों के ट्रेनिंग दे रहे हैं दो प्रकार का, एक तो 2 लाख का 4 लाख की मशीन है जो वहाँ का रॉ मटेरियल जो जल्दी उपलब्ध हो जा रहा है, मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कह रहा हूँ, उपलब्ध हो जा रहा है, उससे उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, 3 महीने के अंदर ट्रेनिंग देकर ले जाओ मशीन, तो उसके लिए सहयोग भी कर रहे हैं कि तुम्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल जाएगा। और दूसरी तरफ उसी वर्ग के लोगों का, उसी IQ के लोगों को ये टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे पेज कैसे लगा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों कैसे जोड़ रहे हैं, 100-100 उत्पाद से दे रहे हैं। अगर हम ग्रामीण, अब इसको हमने बढ़ाने का प्रयत्न किया है, आप आश्चर्य करेंगे, मैंने कहा है 500 जिलों में हर जहाँ केंद्र से खुलना चाहिए खुलेगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ खुलेगा, ये बड़ी हमारी महत्वाकांक्षी योजना है, तो इसको हम करने जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि हम नहीं जोड़ सकते, हम इस आर्थिक प्रॉब्लम को, हम जो आबादी है, आबादी को लोग कह रहे हैं अभिशाप है, मैं इसको अभिशाप नहीं मान रहा हूँ, इस आबादी को, इस मानव शक्ति का उपयोग करते हुए हम इसको वरदान के रूप में प्रकट करना चाहते हैं। और ये जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है और जिस दिशा में हम चल पड़े हैं, केवल विजन ही नहीं चल पड़े हैं, उस दिशा में इस प्रकार का महत्वाकांक्षी योजना रखते हुए हम पूरे देश भर में सुदूर रिमोट एरिया जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ की क्या परिस्थिति है औद्योगिक दृष्टि से, छोटे छोटे उद्योगों के हिसाब से, वहाँ रॉ मटेरियल कैसे आ सकते हैं, वहाँ का जलवायु की कैसी स्थिति है, भौगोलिक और जैविकीय भी आप कह सकते हैं कैसी स्थिति है, उसके आधार पर हम रॉ मटेरियल भी उपलब्ध करते हुए छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से बेरोजगारी से लेकर स्वरोजगारी तक ले जाने की हमारी व्यवस्था है। हमने नारा दिया है बेरोजगार से स्वरोजगार तक की हमारी यात्रा चलेगी। जब इतने व्यापक स्तर पर इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप होंगे तो ये चीज़ होगी। दूसरा आपने IT का पूछा, हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट का भी है, हमारे MSME में भी है और भी कई डिपार्टमेंट में मैंने देखा ये स्किल डेवलपमेंट का है। स्किल डेवलपमेंट केवल छोटे IQ के लोगों का ही नहीं है, तो हम जो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से काफ़ी पढ़े हैं, इंजीनियरिंग पढ़े लिखे हैं, ऐसे लोगों का भी स्किल डेवलपमेंट। अब उसमें है क्या, अब MSME को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं कि जो डाइवर्जेंस ऑफ नॉलेज, MSME प्लेटफॉर्म बढ़ेगा, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी लेने वाले, उदाहरण के तौर पर जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर में है, वो बहुत ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि से क्या रिसर्चेस कर रहे हैं आपको जानकारी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका सेंटर MSME प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है,
जो हाई टेक्नोलॉजी के लोग हैं, हाई जानकारी करने वाले, उनके लिए भी है। तो प्लेटफॉर्म की कमी होगी, नौजवानों को कोई कमी होगी आईटी वालों के लिए, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। अब ग्रामीण क्षेत्रों क्या समझते हैं, वहाँ आईटी की जरूरत नहीं है। हमने एक निस्बट के माध्यम से हमने तय किया है, हमने वर्चुअल क्लस्टर की बात की है। वर्चुअल क्लस्टर में पूरा इंफॉर्मेशन टोटल आपको मिलेगा। तो उस दिशा में हम प्रयासरत हैं, और हमें पूरा विश्वास है विजन 2020 भारत के लिए अभूतपूर्व होगा। एक सवाल अब डायस से आ रहा है कलराज जी के पास, ग्राफिक्स एक्ट्स के सीएमडी पूछना चाहते हैं। मुकेश जी आपका सवाल। एक खादी के लिए मेरा विशेष प्रश्न था। खादी के साथ मैं देखता हूँ बहुत ही सौतेला व्यवहार हुआ है स्वतंत्रता के बाद से अब तक। खादी भवन में अगर कभी भी मेरे को जाने का मौका मिला है, एक से एक बढ़िया प्रोडक्ट वहाँ मिले, कपड़ा हो या स्वदेशी उत्पादन कुछ भी, लेकिन सरकार की तरफ से खादी के प्रोत्साहन के लिए कुछ भी प्रयास ज़्यादा नहीं किए गए अभी तक। खादी को प्रमोट करने के लिए बहुत से अच्छे फैशन शोज़ आयोजित किए जा सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स को इसमें लिया जा सकता है। अब आप देखेंगे कि खादी की जगह लिनन ले रहा है, जबकि प्रोडक्ट वाइज अगर देखेंगे तो खादी में और लिनन में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ फ़र्क है तो लिनन मिलेगा 10 गुना रेट पर, खादी मिलेगी ठीक ठाक रेट पर, जो हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। और खादी का अगर प्रमोशन बहुत अच्छे लेवल पर हो वर्ल्ड ओवर, तो उससे मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा भी मिलेगी और साथ में स्वदेशी का प्रोत्साहन होगा स्वदेशी को। मुकेश जी ने बात सही कही है कि इस समय खादी को कंपटीशन में जाने की जरूरत है, इसलिए हम खादी को रिस्ट्रक्चर करने की हम बात सोच रहे हैं। और उसको ये जो आपने बात बताई, ये सारे हम लोगों के मन मस्तिष्क में है। अब समझ अगर फैशन डिजाइनिंग का है, उसे कंपटीशन में हम ले जाएं, मार्केट में हम ले जाएं, उसके प्रति ज़्यादा जागरूकता पैदा करें, हर विभाग में आप सब लोगों से भी आग्रह करें चलो खादी खरीदो, अरे बाकी जगह से भी कपड़े खरीदते हैं एक वहाँ से भी खरीद लो, मैंने इस तरीके से जागरूकता का भी, दूसरा क्वालिटेटिव उसका ठीक से प्रोडक्शन हो सके इसके लिए भी, और स्पर्धा के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी। जगह जगह जो फेयर लगते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं, उन एग्जीबिशंस में 2 दिन खादी के लिए, 3 दिन खादी के लिए, फिर फैशन डिजाइनिंग का होता है तो खादी में बहुत अच्छा निर्माण कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग के लिए भी। जी कलराज जी एक सवाल और है, इस बार सवाल विश्वामित्र परिवार की तरफ से है, आपके साथी हैं। मनोज जी आपका सवाल। इस बार जैसे कि प्रधानमंत्री साहब ने अपने अभिभाषण में एक बात कही ऑर्गेनिक्स फूड की, तो ऑर्गेनिक्स फूड के तरफ में कंज्यूमर भी बहुत सारे अभी जा रहे हैं और बहुत लोग पैसा खर्च करने को तैयार भी हैं, तो सरकार इसमें आगे किस तरह से मतलब बढ़ रही है? प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में केवल नहीं कहा है, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा है कि जो हम बोल रहे हैं ये हमारा कमिटमेंट है, और जब कमिटमेंट है तो उसको पूरा करने के लिए जो भी पैसा खर्च होगा, जो भी धन खर्च होगा, और जिस प्रकार की प्रायोरिटी देनी पड़ेगी देने में कोई संकोच नहीं करेंगे। और केवल ऑर्गेनिक फूड और ये बाकी इतने नहीं है, वो तो ये जैसे अभी खादी का उल्लेख उन्होंने किया, तो ये तो टेक्सटाइल भी है, खादी भी है, वो कलर काटन भी पैदा होता है, वो भी ऑर्गेनिक के उसमें जैविक रूप में उसको ले सकते हैं लोग, तो इसको अधिकाधिक हम दे सकें ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से है, तो इसके लिए जो भी प्राथमिकता हो सकती है पूरा करने में कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको कमिटमेंट के रूप में माना है। जी हाँ, जहाँ तक मुझे याद है अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने कहा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश नंबर एक हो गया सिक्किम और अरुणाचल। और एक सवाल इधर से आ रहा है। मेरा एक सबसे पहला सुझाव ये है कि जिस प्रकार देश की आज़ादी के बाद किसानों को और मजदूरों को प्राथमिकता मिली, और एक समय था, अब ऐसा वक्त आया है कि ये छोटे छोटे लुद्धमी जो हैं उनको भी वो दर्जा दिया जाए, उनको भी वो प्राथमिकता मिले, क्योंकि आज एक छोटा उद्यमी मरता है, सुसाइड करता है, तो उसकी चर्चा, उसके बारे में चिंतन नहीं होता, तो उस चिंतन को एक लिया जाए। दूसरा, मैंने देखा कि जितने भी सरकार के उनको प्रोत्साहन देने के अंग हैं, सिर्फ 6 या 7% अभी तक उनको उसका लाभ मिल पाया है, बाकी अभी जैसे जाम है, वो क्या सिस्टम अभी आप आए हैं,
तो उसको देखें आपकी भी किस प्रकार से स्टिमुलेट करके वो जो स्कीम्स हैं, मेरे को लगता है कि अगर हम वो स्कीम्स ही अगर नीचे तक पहुंचा देंगे तो बहुत बड़ा कार्य जो विजन मोदी जी का है, आपका है, वो सार्थक हो पाएगा। जैसे आपने एक फंड की बात की, मैंने आपको बताया था कि हम लोग 1,000 करोड़ का एक ऐसा फंड कुछ कॉरपोरेट सेक्टर के दोस्त मिलकर बनाना चाह रहे हैं जिससे हम ये छोटी फाइनेंसिंग कर सकें। और तीसरा, हमने अभी योजना बनाई है भाजपा के इसी सेल में कि एक बहुत बड़ी समिट हम अगस्त में करना चाह रहे हैं जिसमें हम चाहेंगे कि एमएसएमई मिनिस्ट्री उसमें लीड ले, जिसमें हम चाहते हैं कि 1,00,000 नए उद्यमी क्रिएट किए जाएं ऑन द ग्राउंड और 10,00,000 जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए, ऐसा हमारा सुझाव। इन्होंने जो परेशानी बताई है छोटे उद्यमियों की, ये बात सही है कि बहुत से लोग आत्महत्या करने के लिए भी विवश हो जाते हैं। कारण भी है कि जैसे विशेष रूप से पूंजी, रॉ मटेरियल, मार्केट, इसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। छोटा उद्यमी है, जब कभी किसी का ब्रांड ले लेता है तो उस वक्त एक्साइज ड्यूटी उसकी हो जाती है, उसकी हालत ख़राब होती है। उसका जो उत्पादक माल है वो बेचारा अपना माल दे नहीं पाता, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मार्केटिंग उसको ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाती है। बाकी के जो उद्यमी हैं और जो बड़े लोगों से 2006 में जो कानून बना और उसमें था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से वो प्रोक्योर करेंगे, कम से कम 20% प्रोक्योर करेंगे, लेकिन अब पेमेंट 3 महीने के अंदर कर देंगे तो उनका पेमेंट भी नहीं हो पाता। अब वो कानून तो बना है लेकिन उस उद्यमी को प्राप्त नहीं हो पाता। तो ये दिक्कतें हैं, ये कठिनाइयाँ हैं। अब इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। छोटे उद्यमी को सर्वाधिक प्रोत्साहन, ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है। उसको प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, और साथ ही साथ जो स्किल्ड या अनस्किल्ड जो लेबर्स हैं, क्योंकि आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी ये लेबर्स की प्रॉब्लम बहुत परेशान कर रही है, अविशेष स्किल्ड लेबर की प्रॉब्लम बहुत परेशान कर रही है। तो स्किल्ड लेबर भी कैसे हो, तो इसके लिए जगह जगह जो स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चल रहे हैं इसको भी व्यापक रूप से चलाना पड़ेगा। तो सारी समस्या का इस ढंग से समाधान हो सकता है। 1,00,000 आपको उद्यमी आएंगे, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, लाना चाहिए। और जितना ही उद्यमियों को हम, छोटे छोटे उद्यमियों को जागरूक कर सके, उनको ला सके, उतना ही लाभ होगा। नहीं तो इस समय 16,00,000 इंजीनियरिंग और MBA किए हुए लोग बेकार हैं। अब ऐसे लोगों को भी तो इनकरेज किया जा सकता है। जी, एक सवाल इधर से है, सकरनी प्लास्टर से हैं अशोक गुप्ता जी। मैं कुमार साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसके अलावा मैं प्लास्टर पैरिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, बीकानेर से। हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि बीकानेर एक ऐसा बेल्ट है जहाँ पर इसका रॉ मटेरियल मिलता है, और करीब वहाँ पे 500 to 600 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से इंडस्ट्री वहाँ लग गई है, लेकिन उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है राजस्थान RSMM देता है और वो पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। और आज हालत ये हो गई है, कम से कम 500 इंडस्ट्री जो है ऑलमोस्ट वो बंद की पोजिशन पर आ गई है। दूसरा क्या है कि हमारा जो सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जिप्सम का एक मटेरियल यूज होता है इसको बनाने के लिए, लेकिन पोजीशन ये है कि जिप्सम प्रोवाइड ना होने की वजह से आज जिप्सम इंपोर्ट करना पड़ता है सीमेंट इंडस्ट्री को। तो अगर मान लिया हम एक ऐसी पॉलिसी डिजाइन कर ले कि जिसकी वजह से उनको जाना ना पड़े, इम्पोर्ट करने की पोजीशन पर ना आना पड़े। आपने जो रॉ मटेरियल की बात की है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है चाइनीज़ और इंडियन प्रोडक्ट्स में कॉम्पिटिटिवनेस बिल्ड करने का, क्योंकि वहाँ इनपुट कॉस्ट थोड़ी कम है, जैसा कि हमारे सर्वे में और हमारी फीडबैक से पता लगा है। हमने इसके लिए MSME मंत्रालय ने भी अब उसको और टेकअप करने का शुरू किया है। हमने इसके लिए एक रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम बनाई है, और उसका उद्देश्य यही है कि जहाँ जहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम्स हैं, एक तो छोटी मात्रा में मिलता नहीं है, दूसरा उसकी प्राइसिंग में डिफरेंस है, महंगा है, या छोटे उद्योग लगाने वाले को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तो हम जहाँ पे 5-6 कंज्यूमर हैं, हमारी कोशिश है कि मिनिमम 5 कंज्यूमर होने चाहिए उस रॉ मटेरियल के, तो हम NSIC के माध्यम से और वहाँ की जो लोकल एसोसिएशन है उसके माध्यम से हम रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे और कर रहे हैं। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, बढ़ाएंगे। अब इसमें ये जो प्रोडक्ट आपने बताया वो शामिल नहीं है,
हम देखते हैं कि अगर उनको भी शामिल किया जा सकता है, परंतु ये योजना है। माननीय मंत्री जी ने जो अपने रिव्यू में इसको और एक्सपैंड करने के लिए भी कहा है, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत हैं, रॉ मटेरियल की मतलब सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम शामिल कर सकते हैं। जी हाँ, कई सारे सवाल आ रहे हैं और कई सारे समाधानों की बात हो रही है, लेकिन हमारे बीच में एक हस्ती मौजूद हैं, महाशय जी। महाशय जी का कहना है कि समस्याएं सबको मिलती हैं, लेकिन आप कैसे समाधान निकालते हैं, कैसे महाशय जी ने अपने बिजनेस को दुनिया में सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया, उन्हीं से जानेंगे। और आप इन युवाओं को जब देखते हैं महाशय जी, तो क्या कहना चाहते हैं कि समस्याओं का समाधान क्या है? कह रहे हैं बैठ के मजा नहीं आएगा, खड़े ही होके बोलूंगा। सर से मैं क्या कामयाब कैसे हुआ? छह बातें जिंदगी सीखी थी। ईमानदार बनना सबसे बड़ी बात है, ईमानदार बनना। दूसरा मेहनत करना, मेहनत करना। तीसरा मीठा बोलना, ईमानदार बनना, मेहनत करना, मीठा बोलना। कृपा किसकी? परमपिता परमात्मा की। शीर्षक किसका? माता पिता का प्यार आपका। मैं प्यार से बंधा हुआ आया, ऐसे बहने सब दर्शन मैंने किए, मेरे मंत्री साहब मिले, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, परमात्मा करेगा जैसी उम्र आज बनी है, आज जिंदगी में ऐसी उम्र को भी हमने देखे दिया। यही मेरी उम्र 91 साल हो गई है। अरे संसार देखा, परमात्मा करे ये मेरा देवता जिंदा रहे, संसार को बदल दे। मेरी आत्मा यही आपको आशीर्वाद देती है, परमात्मा हम सब लोग कामयाब हो जाए। अरे बातें बड़ी करते हैं भैया, हम मेहनत नहीं करते, बड़े जल्दी अमीर बन जाए, अमीर बन जाए। कैसे अमीर बनोगे? कोच वहाँ तांगा चलाने वाला आज इतना बड़ा काम कर सकता है कि बच्चे से गए, अरे मंत्री तक मुझे पहचानता है। एक आदमी कहता संसार में काम करता हूँ, मैं डरता नहीं। मुझे याद बात आ गई, मैं बम्बे में गया फिल्म बनाने के लिए, राज ट्रेवल बोलता सेठ, ओ बाबा दादा तू इम्तिहान को कम्पटीशन करता है और मैं बिका हुआ है, मैं बिका हुआ नहीं हूँ, हम अपना काम करते हैं, हमारा कमर्शियल काम थोड़ा है। जो आदमी खुद उठ के मसाले घूटता प्यार से, जो कि पीछता है कामयाब मिलेगा। भाई आप मेहनत करो बेटो, आप ऐसी हो, मैं कैसे मेहनत कर सकता हूँ? आप सब जान है, अरे हम तो बूढ़े होते हैं फिर भी हम बूढ़े हैं, फिर भी हम जवान हैं, ऐसी बात नहीं है। ओ महाशय जी का कहना है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मदद तो मिलेगी लेकिन ज़रूरत यह है कि इरादा बुलंद रखिए। दो सवाल और हैं मेरे पास, के गौतम जी से और उसके बाद आलोक गुप्ता जी से। अभी एक सज्जन ने पीछे बताया कि एक उद्यमी ने आत्महत्या कर ली, एक इसी घटना का मैं भी गवाह हूँ। मुजफ्फरनगर के गुप्ता जी से, मेरा उस वक्त पोस्टिंग था वहाँ पुलिस में ही, तो वो हरिद्वार गए और हरिद्वार में जाके पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। मैं मौके पर गया और घर में उनकी पत्नी से पूछा, मैंने कि क्या वजह हुई, वो हाल ख़राब था। तो बोले पहली बात तो बिजली नहीं आती फैक्ट्री में, आती है तो दुगने रेट पर मिलती है और लोगों के मुकाबले छोटे उद्यमियों को, और इतना सताया गया, 30-40 डिपार्टमेंट जाके वहाँ फैक्ट्री पर बैठ जाते हैं। तो बोले वो इस कदर बेइज्जत हुए कि वो आत्महत्या कर लिए। मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ, अगर मंत्री जी ठीक समझें, कि आपके विभाग का कोई अधिकारी, हर ज़िले में एक एक कोई ऑफिस ऐसा हो कि अगर उद्यमियों का इस तरह शोषण हो रहा है या उनको सताया जा रहा है या उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो किससे कहें? DM कहता है मेरा काम तो ये नहीं है, SSP कहता है मेरा काम क्राइम देखना है। आखिर कोई ऐसा एक सुनवाई का मौका हो कि जहाँ जाके वो अपनी तकलीफ बता सके और उसकी सुनवाई हो सके, तो ये सहूलियत भी मिलेंगी और आत्महत्याएं भी कम होंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि 40 साल से मंत्री जी को देखा है, सबके दुख दूर करने का प्रयास करते हैं, और अब उम्मीद है कि छोटे उद्यमियों को आप पार निकाल देंगे, उनकी सुविधाएं देंगे। और इसमें क्या किया जा सकता है सर, कि हर ज़िले में आपका कोई प्रतिनिधि ऐसा बैठा हो कि जो अपनी बात उद्यमी जाके कह सकें और उनका हल हो सके। थैंक यू सर। सर आपका टेक। छोटा उद्यमी परेशान होकर आत्महत्या कर ले रहा है तो उसकी चिंता तो करनी चाहिए, और हालांकि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उद्योग बंधु और जगह जगह उद्योग कार्यालय भी खोले गए हैं, लेकिन वो कितना प्रभावी है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस संबंध में विचार जरूर करना चाहिए। एक सवाल युवा एंटरप्रेन्योर का है सर आपसे, आलोक जी हैं। मंत्री जी नमस्कार। कुमार साहब से सुन के बहुत अच्छा लगा कि देश भर में 500 के करीब इनक्यूबेशन सेंटर्स खोलने का प्लान है।
मेरा सिर्फ एक छोटा सा ये सुझाव था कि इन इंक्यूबेशन सेंटर्स को हमें किसी ना किसी बिजनेसमैन के साथ किसी ना किसी रूप में जोड़ देना चाहिए, ताकि जिन बिजनेसमैन का पुराना एक्सपीरियंस रहा है सक्सेसफुल बिजनेसमैन का, वो जो लोग वहाँ पे आके बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, साथ के साथ उनको अडॉप्ट भी कर सकें। आज के टाइम में बहुत ऐसे यूथ बिजनेस के लोग हैं जो चाहते हैं कि नए नए बिजनेसेस खोलें, नए नए लोगों के साथ जुड़ें, तो क्या कुछ ऐसा नेटवर्क बन सकता है कि जिसमें एक बिजनेसमैन एक इंक्यूबेशन सेंटर को अडॉप्ट करके, चाहे उसका खर्चा भी अडॉप्ट करना पड़े, और NSIC के साथ कोलैबोरेट करके वो जितने भी वहाँ पे लघु उद्योगों की सोच है, उनका जो इंक्यूबेशन हो रहा है उसमें अपना योगदान दे के साथ के साथ उनको ग्रो करने का काम कर सके। हेलो गिरा, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है जी, और मैं आपके सवाल पूछने के पहले ही इन लोगों से बात कर चुका था। जब मैं NSIC का देखा था तो मैंने यही पूछा कि किसी उद्योग घराने के साथ आपकी बात हुई है कि नहीं हुई है, जो जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो उसमें केवल आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, वो लोग आते हैं वहीं सिलेक्शन भी कर लेते हैं बच्चों का, और लगभग 80% 90% बच्चे उनके साथ चले जाते हैं। ये चीज़ जो आपने बताई इंक्यूबेशन सेंटर का, वो भी मुझे अच्छा लगा। हम चाहते भी हैं कि कोई उद्योगपति या कोई बड़ा उद्योग चलाने वाला हो, वो अगर इंक्यूबेशन सेंटर को अडॉप्ट कर ले तो बहुत अच्छा। अब जैसे इंक्यूबेशन में हम छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर भी तैयार कर रहे हैं, और जो 4 लाख की मशीन है उस पर कह रहे भैया ये चिप्स बनने वाली है, देखो इसको कैसे क्या है, या साबुन बनाने वाली है इसको देखो, मसाला बनाने वाली जैसे बाबूजी ने कहा अभी, तो उसको देखो अगर 4 लाख की है, 5 लाख की है, या हल्दी का है, बाकी का है, तो वो ले जा कर के फिर अपना चलाए, जो भी पैसा उसको दिया जा सके और सारी चेक की जा सके, फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसे प्रोवाइड किया जा सके, तो वो छोटा एंटरप्रेन्योर बनेगा अगर उसको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको प्राप्त हुआ। तो एक तो हम छोटा एंटरप्रेन्योर भी उद्यमी भी उसको बनाना चाहते हैं, उसके माध्यम से वो आगे बढ़ सके। एक होगा स्किल्ड जो जानकारी करेगा, और एक स्किल्ड होने के साथ साथ भले ही कोई ना हो लेकिन उसके साथ पूरे परिवार के लोग लग जाते हैं, 3 या 4 लोग, कम से कम एक एक में 3-3, 4-4 हो ही जाएंगे। तो एक मार्केटिंग देख रहा है, एक कोई रॉ मटेरियल ला रहा है कुछ, तो भी तो सब लोग इसमें इंगेज हो जाते हैं। ये सुझाव आपका अच्छा है, और ये जो अभी हम 500 खोलने की बात कह रहे हैं, इसमें हम हर जगह तो अपना मकान ये बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे, तो कहीं किराए पर लेंगे, कहीं कुछ करेंगे, किसी से मांगेंगे, ये सब चल रहा है। तो ये सुझाव अच्छा है, और मैं कुमार साहब से कहूँगा कि इस दिशा में हाँ, ये जो मॉडल है हमारा इंक्यूबेशन का, छोटे छोटे लघु उद्योग रीजनल लेवल पे गांव लगवाने का, हमारा तो मॉडल है, पर ये 500 सेंटर का जो निर्णय है ये माननीय मंत्री जी ने अभी किया है, और मुझे लगता है कि ये आगे आने वाले समय में हम इसको पूरी तरह से पूरा करेंगे। हम लोग उसको छोटे लेवल पे लेके चल रहे थे, तो पर जब माननीय मंत्री जी आए और उन्होंने देखा कि ये मॉडल सक्सेसफुल है, और इनके प्रारंभ के जो एड्रेस थे उसमें भी मैंने नोट किया कि इनका जो मेन फोकस था वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की तरफ है, जो बेरोजगार लोग हैं उनको इंगेज करने की तरफ है, उनको स्किल दे के, उनको छोटे छोटे रोजगार में लगा के, तो हमारा ये मॉडल बहुत ही मैच करता था। और जब माननीय मंत्री जी ने उसको देखा तो कहा कि इसको तो बहुत एक्सपेंड करने की आवश्यकता है। तो ये 500 का निर्णय माननीय मंत्री जी का है, जो कि हम आगे इसको साकार करेंगे। आलोक जी कुछ और कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस फोरम के माध्यम से आज हम, मैं ये कमिट कर सकता हूँ कि जब भी आप 500 का विचार करें, कम से कम 25 ऐसे होंगे जिनको मैं और मेरे मित्र अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा, तो 25 का वादा कर दिया है। कार्यक्रम के आखिरी चरण में हम आ पहुँचे हैं। 2 सवाल और हैं जो आपसे जानना चाहेंगे। श्रीवास्तव जी का एक सवाल है। मैं सुधीर श्रीवास्तव, मेरा सवाल है, एक तो ये कि हमारा स्टेट में जो SMEs हैं उनको अदर स्टेट में काम करने में दिक्कत आती है, क्योंकि अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, अलग अलग टैक्सेशन हैं,
तो जीएसटी हमारे यहाँ पर कब से लागू होगी, उसके लिए हमारी सरकार कितना सीरियस है? और स्टेट गवर्नमेंट जैसा कि कई बार वो विरोध करते हैं कि शायद हम जीएसटी को लागू नहीं होने देंगे, तो उसके लिए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके बीच में सामंजस्य बन रहा है? और दूसरा एक सवाल था कि सर ये एसएमईज हमारी जो ज़्यादा नहीं आगे बढ़ पा रही, उसमें करप्शन ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर, कि हमारे पास 37 तरीके के टैक्सेस हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी अगर रह जाती है तो हैरेसमेंट होता है और बहुत तरीके से करप्शन का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। और एक एनएसआईसी के लिए जो कुमार साहब से जानना चाहेंगे, क्या रेंट पे आप लोग एनएसआईसी वगैरह का जो रजिस्ट्रेशन होता है ये आप लोग प्रोवाइड कराते हैं क्या? कुछ इंडस्ट्रीज जो हमारे यहाँ रेंट पर रन कर रही हैं उनको डिफ़िकल्टी जाती है कि उनको वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाता है। थैंक यू। ये अभी आपने करप्शन की बात कही, भाऊ जी ने अभी कहा कि इसमें अगर आगे बढ़ना है तो प्रामाणिकता बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, प्रामाणिकता के साथ काम करें। इंटरप्रेन्योर तो जरूर प्रामाणिकता के साथ लगता होगा, लेकिन जो 10 जगह जाने पड़ते हैं एनओसी लेने के लिए या सारी चीज़ों को क्लियर कराने के लिए, उसमें ये कठिनाई जाती है, उसको पैसे भी देने पड़ते हैं, सब कुछ करने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि इस दिशा में तो हम प्रयत्नशील हैं कि सिंगल विंडो उसको हम करें, इसके लिए बात भी हुई है और मुझे लगता है कि हो भी जाना चाहिए। अभी ये प्रयास है हमारा। और बाकी का एनएसआईसी के बारे में ये बताएंगे आप। एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन की आपने बात की है, वो चूँकि एलिजिबल हो जाते हैं उस रजिस्ट्रेशन के बाद गवर्नमेंट को सप्लाई करने में, तो अगर उनकी ये क्रेडिबिलिटी और ये जो उनकी कैपेसिटी है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, अगर हम उसको प्रॉपरली सर्टिफाई नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को परचेज करने में फिर दिक्कत हो सकती है और उसकी क्वालिटी की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फेलियर्स हो सकते हैं सप्लाई में। तो ये एक इन रिलेशनशिप में क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम बाहर की एजेंसीज़ को लेते हैं ताकि इंडिपेंडेंट एजेंसीज उसका उसका क्वालिटी चेक है, उसका कैपेसिटी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए वो हमें देते हैं। तो इसमें थोड़ी कठिनाई थी क्योंकि हमारे पास इंस्पेक्शन एजेंसीज कम थी। अब हमने निर्णय लिया है कि हम पूरे देश में इंस्पेक्शन एजेंसीज को और इम्पैनल करके इसके सर्टिफिकेशन को एक महीने के अंदर हम क्लियर कर देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे कॉरपोरेशन में एनएसआईसी में बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी है और क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी हमारी 98% है, जो हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे है। अगर आपको उसके बावजूद भी कोई दिक्कत होती है किसी को, तो एक तो हमारा टोल फ्री नंबर है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं उसको, 1800 11 1955। उस पर आप संपर्क करिए, आपकी सेम डे उसको समाधान किया जाएगा। नहीं तो एनएसआईसी की अपनी वेबसाइट है जिसपे मेरे नंबर सारे दिए हुए हैं, आप सीधे मेरे से संपर्क करिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसमें आपकी कोई शिकायत होगी तो उसको तुरंत दूर किया जाएगा। तो कई सारे सुझाव आए हैं और कई सारी उम्मीदें जगी हैं। हमारे साथ मनोज जी मौजूद हैं। मनोज जी, क्या विश्वामित्र ग्रुप का और कौन सा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं? सुझाव देना चाहूँगा, जैसे वैसे से प्राइस वैल्यू आजकल गिरा हुआ है, पहले से जो क्रेडिट लिमिट था 5 करोड़ का, उसको 10 करोड़ अगर कर दिया जाता तो और भी मतलब उद्यमियों के लिए बहुत ही अच्छा होता। हमारे विचार के क्रम में ये एमएसएमई को रीडिफाइन करने का बिंदु है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम रीडिफाइन करने जा रहे हैं और इस समय जो हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ कर के भी जो चर्चा कर रहे हैं, इन सारे विषयों पर करेंगे। एक सवाल मेरा आपसे है, ख़ास तौर पर देवरिया, गोरखपुर, बनारस और लखनऊ, यहाँ एसएमई सेक्टर्स के लिए बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन लंबे समय से उत्तर प्रदेश परेशान है, ना तो वहाँ पे कोई उद्योग जा रहा है, ना माहौल मिल रहा है। कैसे बनारस की साड़ी, किस तरीके से वहाँ की कालीन खास तौर पर सही होगी? और इंटरनेशनली 8,000 करोड़ रुपया आता है विदेशी मुद्रा का, जो भदोही से प्राप्त होता है, लेकिन भदोही भी रो रहा है, बनारस भी आपको देख रहा है। परेशानी तो पूरे देश भर की है और काफ़ी सिख इंडस्ट्रीज हैं। अब उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में अध्ययन की भी बात हम लोगों ने, ये सर्वे भी करवा रहे हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध कराई जा सकती हैं जिसके कारण वो पुनर्जीवित हो जाए, ये हमारा प्रयत्न है। ये बात सही है कि बनारस में
बनारसी साड़ी उद्योग बहुत प्रमुख है, जरी का है, साड़ी का है, वहाँ बुनकरों की बड़ी भयंकर समस्या है। बनारस है, मुबारकपुर है, आजमगढ़ है, मऊ है, और आपका कालीन का है पूरा, भदोही है, मिर्ज़ापुर है। तो ये कठिनाइयाँ हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि ये जो सारा होता है ये गाँव में करते हैं लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में। अब बनारसी साड़ी में देखेंगे आप तो ज़्यादातर मुबारकपुर की साड़ियाँ आती हैं बनकर के, और उसमें सारा होता है। कालीन का भी देखेंगे तो ज़्यादातर गाँव में ही कालीन को छोटे छोटे बच्चे और बाकी लोग करते हैं, हालांकि उसमें एक कानून बन गया चाइल्ड लेबर वाला, तो उसके कारण भी बड़ी परेशानी जा रही है लोगों को। लेकिन ये सारी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्रों में बनती हैं, और इसके सिख हो जाने के कारण रोज़गार की बड़ी कमी हो गई, लोगों की परेशानी पैदा हुई है। ये किस तरीके से पुनर्जीवित हों इसके लिए हम ज़रूर देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब गोरखपुर और देवरिया की जो आपने बात की, गोरखपुर में भी हैंडलूम का काफ़ी प्रबल था, अच्छा कारोबार, लेकिन अब इससे थोड़ा बहुत गड़ हुआ। अब हैंडलूम में जो इस समय क्वालिटी जिस बात की होनी चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे होनी चाहिए, डिज़ाइनिंग का है, पर वो उसी कमी है इस कारण। और जैसे इन्होंने खादी वाले बारे में कहा कि जब तक नहीं होगा उसकी भी उसी प्रकार के करने की आवश्यकता है। पहले साल की 3 प्राथमिकताएँ आपकी क्या हैं, और आप क्या पूरे देश को आश्वासन दे रहे हैं कि पहले साल में हम इतना ज़रूर कर देंगे? प्रयत्न कर रहे हैं, और इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि जो भी वार्ता हुई आप लोगों के बीच में, वार्ता के अंदर जो हमारे तरफ से चीज़ रखी गई और आप लोगों का जो सुझाव आया, उन सारी चीज़ों को साथ में रखते हुए हम अधिकांश स्थानों पर उसका प्राथमिकता के आधार पर हम चयन कर लेंगे, अधिकांश स्थानों पर हमारा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और ये संदेश हम जरूर दे सकने में सक्षम हो सकेंगे कि हाँ, ये काम करना, ये इन्होंने जो जिम्मेदारी ली है उस दिशा में इनका काम प्रारंभ हो गया, ठीक चल रहा है, इतना दे सकते हैं। साल भर के अंदर कोई बहुत बड़ा पूरा हो जाएगा ये ढपोर संघ की घोषणा करना ठीक नहीं है, हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं इतना जरूर सकते हैं। तो कहना है सीधे तौर पर कलराज मिश्रा जी का कि हम 2 कदम चलेंगे, 2 कदम आप चलिए, मंजिल मिल ही जाएगी, ज़रूरत इस बात की है कि हम में यकीन रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया साधना न्यूज़ को, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से, जिस मिशन को लेके 2020 आप चले हैं, आप ज़रूर गांव तक पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात जो राष्ट्रपति भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, अगर गांव संपन्न हो जाएंगे तो देश अपने आप संपन्न हो जाएगा। और मिशन 2020 की हमारी शुरुआत यही है कि सबको सबका हक मिल जाए और श्रेष्ठ भारत एक बार फिर दुनिया के सामने आए, और हम जाने जाएं कि हाँ, हम वो हैं जो अपने पैरों पर खड़े हैं। हम पहले भी सोने की चिड़िया थे और अब हम भी आज भी सोने की चिड़िया हैं। इसी के साथ मिशन 2020 का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रखर प्रकाश मिश्रा को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें साधना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।